ओके, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। सो हम कर रहे हैं जी डिस्कस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमने छोटे छोटे काफी सारे टॉपिक्स को अभी तक देखा है। सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिटिगेशन स्ट्रेटजी। सो पहला तो ये बताऊं कि मिटिगेशन का मतलब क्या होता है। मिटिगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की सिवियरिटी को कम करना। देखिए अभी हम कह रहे हैं बात की क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सो हम क्या चीजें ऐसी कर सकते हैं जिनकी वजह से जो उसकी सिवियरिटी होती है, जो उसकी एक्सट्रीमिटी होती है, वो थोड़ी कम हो जाए, तो उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहला आपकी बुक्स पे भी होगा जिसे हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है? देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सिंपल बताऊं, स्क्वीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो प्लांट्स हैं हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यस, जो नेचुरल प्लांट्स है वो नेचुरल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर ओशन में, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ओशन एसिडिफिकेशन हमने पढ़ा, तो ओशन जो है वो अपने आप में सॉल्युबिलिटी के थ्रू अपने आप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेता है, तो मैं ये कहूंगा कि यस, ओशन भी कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन करता है। चलिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे यहाँ पे लिखा भी है छोटा सा मैंने, स्क्वीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज अभी हम समझेंगे डिटेल में क्या होता है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजीज ऐसी डिजाइन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जहां जहां पे हमें लगा कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसको उठाते हैं, वहां से स्टोर करते हैं, फिर पहले तो कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर करने का मतलब कि अगर किसी चिमनी से निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे ट्रैप करेंगे, किसी थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है तो वहां पे ट्रैप करेंगे। एक तो पहले तो होता है ट्रैप करना, उसके बाद हम उसको अगर स्टोर कर पाते हैं, उसके बाद उसका यूज लेटर ऑन की क्या उसका यूज हम करेंगे बेनिफिशियल तरीके से। देखिए हमें पता है कि पावर स्टेशन से जो इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं या डायरेक्टली एयर से अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करेंगे, जैसे मैं अभी कह रहा था पावर स्टेशन में हमने कोई मशीन लगाई, कोई सिस्टम ऐसा लगाया कि वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको हमने वहां से कैप्चर किया, या इंडस्ट्रियल साइट्स जो होती हैं जहां जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं वहां से हमने अगेन कोई टेक्नोलॉजी यूज कर ली जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैप्चर हो रहा है, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं और कहीं और ले जाते हैं, या डायरेक्टली कहीं पे एयर से हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, स्टोर करते हैं। सो उस इन चीजों को मैं बोलूंगा दिस इज कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड यूज वाली टेक्नोलॉजी। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि कार्बन सिंक क्या होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे लिखा भी है इट कैन बी पंप्ड इनटू प्लेसेस या स्पेसेस जिन्हें मैं सिंक कहूं। अगर मैं कहीं पे कोई माइन है, अगर कहीं पे कोई माइन है जहां से गैस निकला है या कोई अनमाइनेबल एरिया है, तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वहां ले जाता हूं, वहां स्टोर करूंगा, तो मैं बोलूंगा मैंने एक सिंक आर्टिफिशियली क्रिएट किया जिसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया। सो सिंक कुछ नहीं, एक स्पेस है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रख सकते हैं। देखिए अभी मैं आपसे कह ही रहा था अगर मैं बोलूं नेचुरल सिंक्स का, अभी मैंने जैसा आपको बोला था ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, यस जाता है, सो हम कहेंगे जो ओशन है ये एक नेचुरल सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद फॉरेस्ट में अगेन जो प्लांट्स है वो कार्बन कैप्चर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल्स में जैसे हमने कार्बन साइकिल में भी देखा था, तो काफी तरीकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एब्जॉर्ब होता है सॉइल में, तो मैं कहूंगा ये नेचुरल सिंक्स हैं, नेचुरली एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से या तो ओशंस में या फॉरेस्ट्स में या सॉइल्स में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम वहां पे जो है नॉट हम बट वो नेचुरली स्टोर हो रहा है वहां पे, तो हम उसको नेचुरल सिंक कह सकते हैं। देन कमिंग टू आर्टिफिशियल सिंक्स, देखिए अगर डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व्स हैं कहीं से, जमीन में कोई ऐसी स्पेस है जहां पे ऑयल रिजर्व था वहां पे हमने वो ऑयल जो था वो निकाला, या कोई स्पेस है रॉक्स, या जो जैसे कहीं पे हमने नेचुरल गैस निकाला, अभी नेचुरल गैस निकाला तो वहां पे अभी जो स्पेस है उसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रख लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने ये आर्टिफिशियल सिंक क्रिएट किया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो अगर आपने कुछ ऐसा करना है तो आपने क्या करना है, पहले आप ट्रैपिंग करते हैं, उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप स्टोरेज करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आपने ट्रैपिंग की, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद स्टोरेज किया, तो ये आप कहीं पढ़ोगे कि तीन स्टेप प्रोसेस है, तो कोई तूफान नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपने कैप्चर करना है उसको, ट्रांसपोर्ट करना है, तो बस वही है ट्रैपिंग और कैप्चर मोर और लेस सेम है। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं टाइप्स ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, किस चीज की सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्वीज करना, इसको एब्जॉर्ब करना। पहले अगर मैं बोलूं
जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, देखिए जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में जैसे लिखा भी है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर एंड इंजेक्टिंग इट इनटू अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस बिलो 800 मीटर, उसके बाद सील कर लेना एरिया को. फॉर एग्जांपल कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां से मुझे, मैं डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से ट्रैप करता हूँ, उसको हवा में इमिट नहीं होने देता हूँ, मैं उसको डायरेक्टली ट्रैप कर लेता हूँ, फिर इसको कहीं मैं स्टोर कर लेता हूं, और आगे मैं अगर कहीं अंडरग्राउंड फॉर्मेशन है जैसे माइंस हैं या बाकी बाकी कोई चीज है जमीन के अंडर 800 मीटर्स कोई स्पेस है, तो मैं वहां पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब स्टोर करूंगा, उसके बाद इस एरिया को सील करूंगा सो दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना आए. मैं बोलूंगा मैंने जी जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किया. उसके बाद ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, देखिए नेचुरली हैपनिंग है कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है एटमोसफेयर में. बायोलॉजिकल पंपिंग उसमें क्या होता है कि अगर जो वहां की जो सी ग्रास है या वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन अगर वो बढ़ जाता है, उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है सी में, बिकॉज फोटोसेंसिस के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है. सो हम उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी या बायोलॉजिकल पंपिंग. सो ओशन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, ओशन सिक्वेस्ट्रेशन में जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब होता है, जो स्क्वीज होता है ओशन में, उसको हम बोलते हैं ओशन सिक्वेस्ट्रेशन. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, जैसे हम आगे देखेंगे जियो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि हम वहां के जो वीड्स हैं, वो जो सी ग्रास है उसको बढ़ाए, वहां पे आयरन की फर्टिलाइजेशन करें, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर वहां पे ग्रास बढ़ जाए सो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में ले लेगा. दो उसके इफेक्ट्स हैं, यस आप बोलेंगे कि उसके तो साइड इफेक्ट्स हैं, यस साइड इफेक्ट्स भी हैं, बट मैं अभी कह रहा हूं कि हम अगर ब्रॉड मैनर में देखें, हम बोलते हैं जियोलॉजिकली हम सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, ओशन सिक्वेस्ट्रेशन हम करते हैं. उसके बाद टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं बताऊं आपको टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय प्लांट्स जैसे कि फोटोसेंसिस होता है, ये नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है. फोटोसेंसिस जब हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड असल में एब्जॉर्ब होता है, उसको प्लांट्स ले जाते हैं. आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हमने आर्टिफिशियली कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे क्रिएट की जैसे हम बोले अभी आगे भी देखेंगे. सो होता क्या है कि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो प्लांट्स ले जाएंगे उसे फॉर फोटोसेंसिस और वो हमें दे देंगे ऑक्सीजन. सो मैं कहूंगा कि तीन तरीकों से अगर मैं नेचुरल या आर्टिफिशियल देखूं, ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखूं, मैं बोलूंगा जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें वही मैंने बोला अंडरग्राउंड फॉर्मेशंस में हम स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ओशन सिक्वेस्ट्रेशन जो नेचुरली होता है लेकिन हम उसको थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स भी थोड़ा सा कर सकते हैं ऐड कार्बन डाइऑक्साइड को. उसके बाद टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन जो अगेन नेचुरली होता है लेकिन हम इसमें भी थोड़ा एनहेंसमेंट कर सकते हैं. चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. देखिए जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन जो होती है, जैसे हमने पढ़ा जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं बिफोर इट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर और उसके बाद हम इसको कहीं स्टोर करते हैं अंडरनीथ द अर्थ. तो इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसके क्या मैकेनिज्म होते हैं. देखिए पहला यहाँ पे है जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म की बात करूं मैं, हम बोलते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पे ओशन सिक्वेस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं. सो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पहला इसमें आता है हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग. अभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रैप्ड एज अ गैस अंडर लो परमिएबिलिटी रॉक्स. आप समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी बनाया है, आप समझ लीजिए जैसे कि नेचुरल गैस जमीन में कहीं पे स्टोर होता है बिलो द रॉक्स होता है, उसको अगर हमने वहां से निकाला, अभी वो जो स्पेस है वो खाली पड़ा है, तो हम ये कर सकते हैं कि हमने अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन के अंडर हम क्या करेंगे, हम उसको एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होने देंगे, हम उसको पहले ही कैप्चर करते हैं, उसके बाद हम लाएंगे उसको यहां, ये जो स्पेस है खाली, ये खाली इसलिए है क्योंकि यहां पे नेचुरल गैस था वो हमने निकाला, उसको यूज किया, अब हम यहां पे इसको डाल देंगे, इसको स्टोर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके बाद सील करेंगे सो दैट ये वापस ना आ पाए बाहर. सो मैं बोलूंगा हमने जी हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग को अचीव किया है, समझ आई बात. उसके बाद मैं बोलूंगा सॉलिबिलिटी ट्रैपिंग, देखिए मकसद हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं पे फंसा देना सो दैट ये एड ना हो जाए एटमोसफेयर में, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है और ये हमें काफी परेशान करता है. अभी आगे देखेंगे जैसे सॉलिबिलिटी ट्रैपिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू लिक्विड सच एज वाटर और ऑयल.
आपने कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ऑयल में या किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया। जब आपने डिसॉल्व किया तो मैं ये कहूंगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में था वो एटमॉस्फेयर से कम हो गया। सो मैं बोलूंगा यस, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को असल में कम कर रहा हूं। उसके बाद मिनरल कार्बोनेशन, उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी मेड टू रिएक्ट, मैं आर्टिफिशियली कोई रिएक्शन कर लूंगा कुछ मिनरल्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जब उनके साथ रिएक्ट करे तो ये कोई स्टेबल जो कंपाउंड्स हैं वो बन जाए। स्टेबल कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम आयरन के हो या मैग्नीशियम जो कार्बोनेट्स हो, इनमें मैं क्या करूंगा, मैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इनको रिएक्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अभी इनके साथ रिएक्ट होके फंस गया है, वो रिएक्ट होके कोई और मटेरियल या और कोई गैस बना है, सो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहा अब क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हो चुका है, बिकॉज ऑफ जैसे हमने कल भी देखा था ओजोन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको रिएक्ट किया मिनरल्स के साथ, फ्लूइड्स के साथ, और इसके काफी सारे स्टेबल जो है कंपाउंड्स वो बन गए। सो अभी तक हमने क्या देखा, मैंने सिंपल में आपको कार्बन हमने मेडिकेशन स्ट्रेटजीज की बात करा, हम ये देखते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सिक्वेस्टर करें, कैसे उसको स्क्वीज करें। हमने जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, ओशन सिक्वेस्ट्रेशन और टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन की बात की। मैंने आपको बोला ये नेचुरली भी होता है लेकिन हम इसमें आर्टिफिशियल तरीकों से कुछ चीजें ऐड करते हैं। उसके बाद हम स्पेसिफिकली अगर जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो तीन मैकेनिज्म उसमें है जो बुक्स में दिए हुए हैं। पहला हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, उसका मैंने आपको समझाया, अर्थ में जो स्पेस रही है जहां पे नेचुरल गैस था पहले, अब वो नेचुरल गैस नहीं है तो वहां पे हम करेंगे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग, उसके बाद मिनरल कार्बोनेशन। अभी हम कार्बन सिंक्स की बात करेंगे। कार्बन सिंक में अगेन आपको बोलूंगा कि कार्बन कहां कहां पे स्टोर हो सकता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन को यहाँ पे सिनोनिमसली यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज आपने नहीं होना, वी आर यूजिंग कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिनोनिमसली क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन। ओके, अभी देखिए, एक तो मैं बोलता हूँ कार्बन सिंक्स की बात करूंगा तो मैं बोलता हूँ ग्रीन कार्बन। अभी ग्रीन कार्बन क्या होता है, अब मान लीजिए जो प्लांट्स हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं सो अपने आप में उनका फिर ब्रेकडाउन होता है, फिर वो हमें फूड देते हैं प्लस हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट की बॉडी में आ जाता है। सो मैं बोलता हूं जो प्लांट की बॉडीज हैं थ्रू आउट अगर मैं वेजिटेशन देखूं सो मैं इसको ग्रीन कार्बन बोलता हूं। ग्रीन कार्बन का मकसद क्या है, ग्रीन कार्बन का मतलब क्या है, वो कार्बन जो प्लांट्स में स्टोर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा प्लांट्स होंगे तो बहुत ज्यादा जो कार्बन है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तभी हम कहते हैं एफोरेस्टेशन की बात की, जितना ज्यादा प्लांट्स उगाएंगे तो उतना ज्यादा जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली उन प्लांट्स में जाएगा। सो उस कार्बन कंटेंट को, उस कार्बन का जो अमाउंट है जो पूरे प्लांट्स में होगा, मैं उसको ग्रीन कार्बन बोलूंगा। उसके बाद ब्लू कार्बन, देखिए ब्लू कार्बन जैसे ब्लू इकोनॉमी या ब्लू से आपको ओशन को याद रखना है। देखिए कोस्टल एक्वेटिक एंड मेरीन जो वेजिटेशन होती है, आप समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे भी होगा, चाहे सी ग्रास हो उसने भी अपने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, फिर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजन दिया हुआ, सो उसमें उसकी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। या कोस्टल वेजिटेशन जितनी भी चीजें हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, या वहां पे आप देखिए मैंग्रोव है, सी ग्रास है, उन सब में या सेडिमेंट्स हैं सी में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं उस सारे कॉन्टेंट की बात करूंगा मैं उसको बोलता हूँ ब्लू कार्बन, क्योंकि वो कार्बन ही है लेकिन वो इक्वेटिक जो लाइफ है, जो नॉट इक्वेटिक मैं बोलूंगा जो ओशन में लाइफ फॉर्म्स है उनमें फंसा हुआ है। कैसे फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया हुआ, उनकी बॉडी की प्रोसेसेस चल रही है। सो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ज्यादा से ज्यादा इक्वेटिक जो सी ग्रास है अगर वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो तो हो सकता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लू कार्बन का सिंक है, वो जो ब्लू कार्बन है वो उसका कंटेंट बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या होगा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि उसको जो मेरीन जो लाइफ है जो सी ग्रास ब्ला ब्ला बाकी चीजें वहां पे वो उसको अपने आप में एब्जॉर्ब करती है। तो हमने दो चीजें देखी कार्बन सिंक की, हमने बात की, पहला हमने देखा ग्रीन कार्बन जो प्लांट्स में होता है उसके बाद ब्लू कार्बन जो कि कहां पे होता है, ब्लू कार्बन जो होता है वो प्लांट्स की लाइफ में होता है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो हम बात करेंगे ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। देखिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मकसद है टू मिटिगेट सीसी क्लाइमेट चेंज थ्रू कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। आपने बहुत सारे तरीकों से अगर मैरीन इकोसिस्टम को बचाया, मतलब ब्लू कार्बन ओशन का, यहाँ पे भी ब्लू कार्बन इनिशिएटिव मतलब वो
आपने क्या किया, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आप समझ लीजिए आपने कुछ ऐसा किया कि सी ग्रास बढ़ गया। सी ग्रास के बढ़ने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा से ज्यादा सी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो जो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव के काफी सारे मकसद है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिसका मकसद होता है फंड करना ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट्स को, कि कुछ ऐसी चीजें करना, रिसर्च करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, इसलिए सो दैट ये जो ब्लू कार्बन है वो रिजर्व रहे, वो प्रिजर्व रहे और वो डेवलप हो जाए। सो दैट मकसद हमारा यही है कि सी में कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है वो सस्टेन रहे, वो बढ़ती रहे, सो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए। इसमें हम लोकल जो ये असल में क्या है, इंटरनेशनली एक आप समझ लीजिए इंटरनेशनल एक फोरम काइंड ऑफ है जिसमें एंगेज किया जाता है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को, बस उनकी पॉलिसीज ऐसी हो सो दैट जो ब्लू कार्बन है उसका कंजर्व हो जाए, उसको मैनेज किया जाए, उसको उसको फिनेंस किया जाए, उसमें रिसर्च किया जाए, सो दैट ये ब्लू कार्बन जो है वो बढ़ता जाए। सो ये सारा आता है अंडर ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। सो ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है मिटिगेट करना जो क्लाइमेट चेंज है, कैसे मिटिगेट करना, कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम अभी बात जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज की। तो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में हम देखेंगे अभी कार्बन क्रेडिट को। कार्बन क्रेडिट में क्या आता है, कार्बन क्रेडिट में ये आता है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है। अभी कार्बन क्रेडिट क्या होता है, ओके देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। आपने बुक्स पे भी देखा होगा कि इट्स अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट टू रिलीज 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन या उसका कोई इक्विवेलेंट। सो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जरा हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए मैंने बोल तो लिया कि ये जो कार्बन क्रेडिट है ये आपको एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ मिलेगा या एक परमिट है टू रिलीज 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, फिर हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ UNFCCC ने कुछ कोटास फिट सेट किया। फॉर एग्जांपल कोई एक्स नेशन है, एक्स नेशन का टारगेट है, इसको बोला गया है कि आपको जनाब क्या करना है, आप सिर्फ 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर सकते हैं अपनी अपनी आपकी फैक्ट्री है आपका, बाकी जो प्रोसेस चल रहा है तो आप 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में, इसे ज्यादा करेंगे तो आपको पनिशमेंट है, मतलब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। उसके बाद एक्स ने अब काम के इसने बहुत सारे तरीके ऐसे किए, इसने रिड्यूस किया, इसने सिर्फ 99 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया। सो मैं यहां पे ये बोलूंगा ये जो एक्स का जो ये जो एक्स नेशन था इसने एक कार्बन क्रेडिट को कमाया, इसने कार्बन क्रेडिट को कमाया। क्यों कमाया, क्योंकि इसने सिर्फ 99 कार्बन जो है टन्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया, जबकि इसका जो इसका टारगेट था, जो उसको बोला गया था, जो इसकी हद लिमिट थी, स्टैंडर्ड था, वो था 100। सो इसने एक कार्बन क्रेडिट कमाया। अभी आगे क्या होगा, अगर वाई यहां पे और एक नेशन है उसका भी टारगेट 100 था लेकिन उसने क्या किया, उसने 101 कार्बन जो है टन्स वो प्रोड्यूस किया, मतलब उसने एक एक्स्ट्रा किया, अब उसको पनिशमेंट लग सकती है। देखिए अभी क्या होगा, ये जो वाई नेशन है जिसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, वाई दैट हैज एक्सीडेड, इसको क्या करना है, इसको कार्बन क्रेडिट खरीदना है, किससे, एक्स से ही खरीदेगा, क्योंकि एक्स के पास एक कार्बन क्रेडिट है, उसने 1 टन कम किया, ठीक है ना। अभी क्या होगा, ये या तो ये वाई नेशन जिसने एक्स्ट्रा 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस किया वो या तो एक्स नेशन को पैसा देगा या वो जो एक्स कंट्री है वहां पे कोई प्रोजेक्ट बनाएगा, जैसे वाई विल बिल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, या मनी देगा टू एक्स को। सो ओवरऑल क्या हुआ कि देखिए यहां पे 100 था टारगेट और यहां पे एक, यहां पे भी 100 था, तो टोटल टारगेट जो था वो था 200। अभी इसने अगर एक कम किया, एक्स ने वाई ने एक बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो हम कहेंगे टारगेट वो है वो 200 ही रहा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मैकेनिज्म डेवलप किया, या जैसे यहाँ पे लिखा भी, ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स कार्बन क्रेडिट बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बाय 1 टन दैट इट इज अलाउड और वॉट इज स्टैंडर्ड। वही मैंने कहा, एक्स का टारगेट 100 था जी, अब उसने एक्स ने सिर्फ 99 किया, तो मैं बोलूंगा एक्स जो कंट्री है इसने एक कार्बन क्रेडिट कमाया। अब जो वाई नेशन है जिसने एक्स्ट्रा किया
जिसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, अब उसको क्या है, उसको एक कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, उसको या तो एक्स को पैसे देने पड़ेंगे। क्यों पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि इसके पास ये कार्बन क्रेडिट है। अब इसके पास कार्बन क्रेडिट क्यों है? क्योंकि इसने एक टन कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस किया। अभी जो वाई है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, वाई दैट हैज एक्सीडेड, जिसने एक्सीड किया, अब इसको बाई करना पड़ेगा कार्बन क्रेडिट एक्स से। अब जो एक्स नेशन है उसको फायदा मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा, या तो वाई उसको पैसा देगा या वाई उसके कंट्री में जाके कोई ग्रीन प्रोजेक्ट बना देगा। ओवरऑल हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ। देखिए, कहते हैं इंडिया एंड चाइना ये सेलर्स हैं कार्बन क्रेडिट के, मतलब इनके ये जो इमिशन है वो ये कम करते हैं, सो ये सेल करते हैं कार्बन क्रेडिट्स को। और यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो कार्बन है इट इज ट्रेडेड ऑन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। जो इंडिया में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जैसे गोल्ड या सिल्वर का, वैसे ही जो कार्बन है उसको भी ट्रेड किया जाता है कार्बन क्रेडिट्स के। जैसे आप समझ लीजिए जो कंपनियां हैं उनका भी एक सेट थोड़ा सा टारगेट होता है कि आप जी इतना ही करेंगे, आप जी इतना ही करेंगे। सो मैं कहूंगा कि इंडिया की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे इसका ट्रेड भी होता है कार्बन का। अभी दूसरा पॉइंट यहां पे हम कहते हैं कि कार्बन ऑफसेट, कार्बन ऑफसेट और कार्बन क्रेडिट का मकसद दोनों का यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। अभी कार्बन ऑफसेट में क्या होता है, आप कार्बन ऑफसेट्स आर क्रेडिट्स फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस इमिशन गैसेस एट अनदर लोकेशन सच एज विंड फार्म्स रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको समझाता हूं, आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है नेपाल और यहां से कोई कंट्री है इंडिया। अभी इंडिया ने क्या है, इंडिया को लगता है कि मैं क्या करूं, मैं अनदर लोकेशन में जाऊं, जैसे यहां पे लिखा है कार्बन ऑफसेट में किसी अनदर लोकेशन में जाना है, वहां पे क्या करना है, वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिशन है उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है, वहां पे आप विंड फार्म्स बना सकते हैं, वहां पे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वहां पे आप क्या करेंगे, असल में आप नीड कम कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जो नीड है उसको कम कर रहे हैं वहां पे। आप इसकी नीड को कैसे कम कर रहे हैं, आप वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस को का जो इमिशन है उसको कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, आप रिन्यूएबल प्लांट्स बनाते हैं, आप विंड एनर्जी के प्लांट्स बनाते हैं। अब ऐसा है, आप समझ लीजिए इंडिया चाहता है कि मैं जो अपनी इकोनॉमी है, मेरी जो कंट्री है वो जो चल रही है, मुझे मेरे से 100 टन है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने का मतलब कि इसको फिर प्रेशर आ जाएगा, इसको पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या होगा कि ये कंट्री किसी और कंट्री में जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये गए नेपाल में। अब इसको लगता है कि नेपाल में मैं अगर ये वाला प्रोजेक्ट बनाऊं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं, उससे क्या होगा, 100 टन जो है जो उससे जो 100 टन है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाएगा। सो इंडिया क्या करेगा, इंडिया नेपाल में चला जाएगा। इंडिया नेपाल में चला गया, वहां इसने ये प्रोजेक्ट बना दिया। अब उस प्रोजेक्ट के बनने से नेपाल में जो इंडिया ने बनाया, इंडिया को फायदा मिला कि उसको हक मिलता है कि अब आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और जो ये वाली कंट्री है नेपाल है, उसको फायदा मिला। वहां पे क्या हुआ, वहां पे रिड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन था वो रिड्यूस हुआ। अब उसमें इंडिया ने हेल्प की, सो इंडिया को फायदा मिला। देखिए, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनमें प्रोजेक्ट्स ऐसे बन सकते हैं जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाए, लेकिन उन कंट्रीज के पास या उन ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसे होते नहीं है। सो एक ऐसी जो कंपनी है, एक ऐसा कंट्री जो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, या उसको अपनी कंट्री चलाने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है, वो ऐसी कंट्रीज में जाता है, वहां पे वो प्रोजेक्ट्स बनाता है और उसको फायदा मिलता है। यहां पे लिखा है एक्स, जैसे बाइंग वन टन ऑफ कार्बन ऑफसेट मीन्स देयर विल बी वन लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप मान लीजिए एक्स कोई कंट्री है, अब इसने किसी और कंट्री में विंड फार्म बना दिए। अब क्या है, एक्स का टारगेट है 100। अब इसने क्या किया, ये अगर किसी और कंट्री में जाता है, वहां पे अब इसने क्या किया, इसके वहां पे विंड फार्म बनाने से अब वहां पे 20 ही प्रोड्यूस होगा। पहले तो आप समझ लीजिए एक्स में भी 100 होता था, अब वहां पे विंड फार्म्स किसी और ने बनाए तो वहां पे सिर्फ 80 होगा। सो हम ये कहेंगे कि यहां पे 20 कार्बन जो है क्रेडिट्स का ऑफसेट हो गया। आपको आई होप आपको समझ आ गया हो। देखिए, कार्बन जो यहाँ पे हम कहते हैं कार्बन ऑफसेट, इसमें ओनली कार्बन, इसमें सिर्फ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की बात होती है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। कार्बन ऑफसेट्स आर क्रेडिट्स फॉर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस इमिशंस एट अनदर लोकेशन। आप किसी और लोकेशन में चले जाते हैं, वहां पे आप रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं,
वाइल जो कार्बन क्रेडिट है इट इज समथिंग एल्स, वहां पे आप अपनी कंट्री में कर सकते हैं या कहीं और भी आपका प्लांट हो वहां पे भी कर सकते हैं। आपका ओवरऑल मकसद ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रोक देना। वहां पे ट्रेडिंग होती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कार्बन क्रेडिट में, आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर जिससे आप पैसा ले सकते हैं। अभी इसमें क्या आता है, इसमें जो कार्बन ऑफसेट है इसमें एक इश्यू आता है डबल काउंटिंग का। अभी आप बोलेंगे डबल काउंटिंग क्या है, देखिए आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बना दिया भूटान में, अभी भूटान में प्रोजेक्ट बना दिया उससे क्या होगा कि उससे ये हुआ कि इंडिया ने कुछ टेक्नोलॉजी यहां पे लाई जिससे 20 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस नहीं हुए, मतलब जो अगर आप मान लीजिए 100 टन भूटान प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन अभी जो इंडिया ने इसको हेल्प दिया उससे अभी 20 टन जो है वो रिड्यूस हो गए, सिर्फ वहां पे 80 टन ही प्रोड्यूस होते हैं। अभी क्या होता है जो डबल काउंटिंग में क्या होता है, इंडिया यहां से क्लेम करता है कि मैंने जी 20 क्रेडिट्स कमाए क्योंकि मैंने भूटान में ये काम कर लिए, भूटान खुद से क्लेम करता है कि जनाब जो मेरे को आपने क्रेडिट का लिमिट दिया था मैंने उससे 20 टन काम किया, उसी को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। मतलब यहां मदद तो इंडिया ने की उस वजह से भूटान कर पाया, लेकिन भूटान भी यहां पे बोलेगा मैंने 20 काम किए, इंडिया भी मैंने बोला कि बोलेगा 20 काम किए। सो ये कुछ नेशंस में थोड़ा सा इश्यू था ये डबल काउंटिंग का, सो डबल काउंटिंग का हमें ध्यान रखना होता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कार्बन टैक्स पे। देखिए अगर हम टैक्स लगा लेते हैं, अगर हम टैक्स लगा लेते हैं किस बेस पे, हम इस बेस पे टैक्स लगाते हैं कि कोई भी फॉसिल फ्यूल है उसमें कितना कॉन्टेंट है कार्बन का, उस हिसाब से उसमें हम कार्बन टैक्स लगा लेते हैं। इंडिया में जैसे कार्बन टैक्स लगता है अराउंड 400 रुपीज पर टन पे, जो फ्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो कार्बन टैक्स असल में क्या है, ये टैक्स है ऑन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, किस बेस पे, ऑन बेसिस ऑफ कि उनमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है या उनकी वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमोसफियर में प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, इसमें भी मकसद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लिमिट करना। देखिए इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था कार्बन टैक्स, जैसे मैं कह रहा हूँ 2010 में, और अराउंड 400 पर टन यहाँ पे कार्बन टैक्स लगता है, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जियो इंजीनियरिंग पे, ENGINEET, जियो इंजीनियरिंग क्या होता है। ओके, देखिए जियो इंजीनियरिंग को क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसे क्लाइमेट इंटरवेंशन भी कहते हैं। अभी क्या होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा तरीका करूं जिसकी वजह से सनलाइट अर्थ पे कम आ जाए तो क्या होगा, पोलर आइस कैप्स का मेल्ट होना कम हो जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर हो जाए, सो मैं बोलूंगा कि असल में मैं क्या करता हूँ, जियो मतलब अर्थ का सिस्टम, अर्थ में जो भी चीजें हैं उनको अगर मैं कॉपी करूं, वैसी चीजें मैं डेवलप करूं, अगर मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स को डेवलप करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल प्लांट्स को डेवलप करता हूं, उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब वो प्लांट्स कर लेते हैं, या आप समझ लीजिए अगर मैं ऐसे प्लांट्स लाऊं या मैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करूं जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो उसका इम्पैक्ट हम पे कम पड़ता है, मैं बोलूंगा कि मैंने जियो इंजीनियरिंग जनाब किया। जियो इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं एनवायरमेंट को। आप समझ लीजिए कि मैंने आर्टिफिशियल बड़े से मिरर्स लगा दिए स्पेस में। अब अगर मैंने बड़े से मिरर्स लगा दिए स्पेस में तो क्या होगा, देखिए होगा ये कि वहां से जो सनलाइट आती थी वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। सो मैं कहूंगा यस आई हैव मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। अब मैं टेम्परेचर अर्थ पे कम कर रहा हूं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मिरर्स, तो मैं कहूंगा मैंने जियो इंजीनियरिंग की, ठीक है जी। अभी तक ये कह रहे हैं जहां पे जैसे मैंने लिखा भी है इट्स ओनली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन आगे कहीं ना कहीं इस पे काम होता हो रहा है और कभी ना कभी मे बी आफ्टर 50 years 100 years जियो इंजीनियरिंग को यूज किया जाएगा जी। जियो इंजीनियरिंग में कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो मतलब आइडियाज हैं। पहला कॉपिंग या वेल्कनो, आपको पता ही है कि वेल्कनो से जैसे हमने मैंने आपको एक दफा बोला भी था, एक माउंटेन था वहां पे वेल्कनो जो था वो बर्स्ट हुआ, उसके बाद डस्ट आया एटमोसफेयर में और वो डस्ट इतनी देर तक रहा कि वहां पे काफी टाइम तक विंटर ही विंटर रहा क्योंकि सनलाइट नीचे आ ही नहीं रहा था। ऐसे ही आप मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखा है, आप समझ लीजिए यहाँ पे वेल्कनो का बर्स्ट हुआ, वेल्कनो निकला, तो अब क्या होगा ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा, इसका डस्ट या इसका सल्फर। अब जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं हम जी कॉपी करेंगे वेल्कनो को, उसका मतलब यह है कि अगर हम आर्टिफिशियल डस्ट या सल्फर इसको हम ले लेते हैं पुट अप करते हैं एटमोसफेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में, उसके बाद क्या होगा
ये क्या करेगा, ये सनलाइट को ब्लॉक करेगा। जब ये सनलाइट को ब्लॉक करता है तो उसको हम बोलते हैं, हमने मैं बोलूंगा मैंने जियो इंजीनियरिंग की। जियो इंजीनियरिंग में मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया वोल्केनो को। वोल्केनो को कॉपी करने के बाद जैसे मैंने डस्ट या सल्फर जो है उसको इंजेक्ट किया एटमोसफेयर में, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अभी सनलाइट जो है वो ब्लॉक हुआ, सनलाइट ज्यादा नीचे नहीं आता। सो इसको मैं डालता हूं अंडर दी कैटेगराइजेशन दैट इज कॉपिंग या वोल्केनो। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ बेटर ऑप्शन, जो सल्फर इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड जो मटेरियल है वो बेटर हमें हेल्प करता है इसमें, हेल्प करे कर सकता है इसमें कि हम अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को इंजेक्ट करें एटमोसफेयर में वो ज्यादा बेटर जो है सनलाइट की रेडिएशन को रोक सकता है। उसके बाद दूसरा हम जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, शूटिंग मिरर्स इन स्पेस। अभी शूटिंग मिरर्स इन स्पेस मान लो यहाँ पे मैंने 2-3 मिरर बनाए हैं। अभी मैंने बोला अभी आपको, मैं अगर बड़े बड़े मिरर्स जो है स्पेस में सम हाउ थ्रू एयर बलून या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू रखता हूं, उसके बाद क्या होगा कि ये जो मिरर्स हैं, जो सनलाइट आती है उसको ये रिफ्लेक्ट बैक करते जाएंगे। सो मैं ये कहूंगा कि अर्थ पे कूलिंग हो जाएगी। उसके बाद सीड, द सी विद आयरन, ये कहा जाता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, हमने देखा है फाइटोप्लैंक्टन्स उनकी कैटेगरी एंड ऑल, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो फास्टर विद मिनरल्स लाइक आयरन। ठीक है, जहां जहां भी जो आयरन है, जैसे हमारी बॉडी में भी आयरन की जरूरत होती है, अगर आयरन ज्यादा प्रेजेंट हो तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ भी ज्यादा प्रेजेंट होती है। इफ आयरन इज इंजेक्टेड, अगर सी वाटर में हमने आयरन इंजेक्ट किया, ज्यादा से ज्यादा आयरन डाला, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो जाएंगे फास्टर। जब वो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद वहां की जो मैरीन लाइफ है, वहां की जो प्लांट लाइफ है वो भी बढ़ेगी, फोटोसेंसिस एनहेंस हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा जो सी में जो प्लांट्स हैं, सी ग्रास है वो बढ़ गया, तो ज्यादा से ज्यादा वो फोटोसेंसिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम सीड करेंगे सी को विद आयरन, उससे भी क्या होगा, हम जियो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके बाद व्हाइट इन क्लाउड्स विद विंड पावर्ड शिप्स, देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि जो सी वाटर है उसको हम स्प्रे करेंगे, किससे स्प्रे करेंगे, उसमें बोला जाता है विंड पावर्ड शिप्स। विंड पावर की वजह से हम शिप्स को एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करेंगे कि हम स्प्रे करेंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो भी क्लाउड्स हैं उन पे हम स्प्रे काइंड ऑफ करेंगे, वो स्प्रे काइंड ऑफ कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल सॉरी जो विंड पावर्ड शिप्स हैं, विंड की वजह से शिप्स जाएंगी, एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से हम फाइनली क्या है, नेचुरल जो सिस्टम्स हैं अर्थ में, सिस्टम्स हैं विंड है बाकी चीज़ है, फाइनली हम ये कर पाएंगे कि हम स्प्रे कर पाएंगे, हम आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना पाएंगे थ्रू किससे बना पाएंगे, हम अगर जो सी वाटर है उसका स्प्रे करेंगे, उससे क्या होगा, वाइटन हो जाएंगे क्लाउड्स वाइटन हो गए, उससे क्या होगा, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट को। ठीक है, सो टेम्परेचर अर्थ का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने बिल्डिंग फेक ट्रीज या बिल्ड फेक ट्रीज मैंने बोला। देखिए फेक ट्रीज को अगर हम बोलते हैं, जैसे हमारी बुक्स पे भी दिया हुआ है कि फेक ट्रीज, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है थोड़ा सा, आप समझिए एक प्लॉट है जहाँ पे फेक ट्रीज है, उनके लीव जो आर्टिफिशियल होंगे उनमें रेजिन एक मटेरियल डालेंगे, रेजिन एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रेजिन होगा, वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर पाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाएगा। उसके बाद हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, हम उसको रिमूव कर सकते हैं और कहीं स्टोर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम आर्टिफिशियल ट्रीज को बना लेते हैं उससे क्या होगा, उससे एल्बिडो बनेगा। एल्बिडो जैसे मैंने आपको कल भी बोला था, रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जब रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम यहाँ पे विल स्टॉप हेयर और हम इसके बाद दूसरा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, ये जो मैं जियो इंजीनियरिंग कहता हूँ, ये अभी आप समझ लीजिए, अभी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हैं। देखिए इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा होगा, और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल जो साइंटिस्ट हैं, कुछ जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि आप मान लीजिए हमने स्पेस में डाल दिया स्पेस मिरर्स, क्या हम उनको फिर कंट्रोल कर पाएंगे, क्या ऐसा ना हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने बोला कि सी वाटर स्प्रे कर दिया, उसका कुछ साइड इफेक्ट हो सके इतना स्ट्रांग कि वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए। सो जितना ज्यादा अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, तो रिसर्च में हम मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स में हम ये ट्राई करेंगे, देखेंगे कि अगर हम सी वाटर स्प्रे करेंगे थ्रू विंड पावर्ड शिप्स तो क्या वो अनकंट्रोल रहेगा या वो कंट्रोल में रहेगा एंड ऑल। सो इन सब चीजों को हम देखेंगे, उसके बाद ही ये सारी चीजें जो है ये असल में हमारे सामने काम कर पाएंगी। अब ऐसा लेकिन जरूर सोचना है कि क्या हम
बेहतर करने के बजाय हम उल्टा ना हो जाए. सो इसमें काफी ज्यादा अभी रिसर्च की जरूरत है. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. कुछ आई अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं और सब मोस्टली सबको समझ भी आता है क्योंकि जो मुझे फोन कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है. सो अभी हम एज सुन एज पॉसिबल हमारा EVS को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बाकी वाला हम क्या कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. आप ध्यान रखिए अपना, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. थैंक यू वेरी मच.